दोस्तों 81 कॉम्बिनेशन की सीरीज चल रही है और मैं बात कर रहा हूँ आज 3 और 5 कॉम्बिनेशन के। 5 मिनट की वीडियो सीरीज है, 3 और 5 के बारे में बात करता हूँ। तो 3 नंबर के पहले हम 3 नंबर के बारे में थोड़ी छोटी छोटी सी बातें करेंगे। कुछ बातें मैं पहले बता चुका हूँ, उनसे कुछ अलग हटके होगी। फॉर्चून का नंबर है, 3 नंबर विजडम का नंबर है, फॉर्चून का नंबर है। जस्टिस सीकर होते हैं लोग, बहुत अपने एफर्ट्स के अंदर बहुत वेल प्लान्ड होते हैं, हेस्ट में कोई भी कभी काम नहीं करेंगे, जल्दबाजी इनके चेहरे पे कभी दिखाई नहीं देगी आपको। क्योंकि 1 नंबर और 3 नंबर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि 1 नंबर थोड़ा फास्ट एक्शन लेता है, जहाँ 3 नंबर वेरी स्लो, वेरी ऑर्गेनाइज, अपना जो भी काम करेंगे बहुत संगठित रूप से एक्शन लेके एंड वेरी वेल प्लान्ड, और हर स्टेज पे उसको असेस भी करेंगे, कुछ गलती तो नहीं हुई मुझसे। जबकि 1 नंबर बहुत ज़्यादा एनर्जी का नंबर है, और जनरली वो एफर्ट्स ठीक कर भी लेते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस उनको पे भी कर जाता है, पर यहाँ 3 नंबर थोड़ा स्लो है। ह्यूमनिटी का नंबर है, जस्टिस का नंबर है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते ये लोग, क्योंकि नॉलेज और विजडम के नंबर है ना, तो कभी किसी के साथ बुरा ना करेंगे, ना बुरा सोचेंगे, ना बुराई के पास जाएंगे। रिलीजियस लोग हैं ये, सो जो भी काम करेंगे उसमें स्पिरिचुअलिटी इनकी कहीं ना कहीं आपको नजर आ ही जाएगी। दोस्तों अब बात करता हूँ आपसे, इनका जो सर्कल है बहुत रॉयल सर्कल इनको मिलता है, जो भी इनका सर्कल होगा ना वो सोसाइटी के बहुत हाई लोग होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 3 और 5 नंबर की सीरीज चल रही है, आज 3 और 5 की बबात करता हूँ। सैंपल डेटा 3/10/1972, टोटल कर लो तो ये 5 आएगा, तो ये 3/5 का कॉम्बिनेशन बन गया। जहाँ जुपिटर आपका विजडम नॉलेज और जस्टिस की बात करता है, वही मरकरी यूथ इंटेलिजेंस एजुकेशन और बिजनेस की बात करता है। बिजनेस सेंस मरकरी की बहुत स्ट्रांग होती है, तो इस नंबर वाले कॉम्बिनेशन के बारे में एक बात तो सीधी सीधी समझ लो, इनको बेवकूफ बनाना आसान नहीं। जहां जुपिटर अपने आप में विजडम है, मरकरी यूथ भी है और मरकरी चतुर चलाक है, बुद्ध है जिसने आगे चलकर राजा बनना है, यानी सूर्य का पुत्र है और जिसमें सारा राजा बनने की ट्रेट्स है। ऐसे व्यक्ति से उम्मीद मत करना, तुम इनको कहीं ना कहीं सोसाइटी में चीट कर लोगे, क्योंकि जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन अथाह नॉलेज और विजडम और इंटेलिजेंस की खान, सीखना भी जानते हैं और बॉर्न विजडम भी है इनके अंदर, तो जिंदगी के हर स्टेज पे लर्निंग इनकी जिंदगी का हिस्सा रहने वाली है। ये कॉम्बिनेशन बना ही ऐसा है, नेचुरली इस कॉम्बिनेशन में गॉड गिफ्ट है कि इन्होंने जिंदगी भर अपनी विजडम के थ्रू सीखते चले जाएंगे और अपनी जिंदगी के अचीवमेंट, क्योंकि थोड़ा फास्ट अचीवर है, बुध स्लो नहीं है, बुध जो भी काम करेगा फास्ट करने में सक्षम है। अब जुपिटर का रोल क्या है यहाँ पर, जुपिटर ऑनेस्ट है, इंटीग्रेटेड है, गुडविल है, वहां मरकरी क्या है, मरकरी उसकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है जुपिटर की, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा देता है अचानक। और क्या करेगा मरकरी आपके साथ, मरकरी आपके साथ ना केवल काम की क्षमता को इंक्रीज करके आपके मैनेजमेंट स्किल, जितने लोग जुपिटर के अंडर काम नहीं कर सकते जितने मरकरी के अंडर काम कर लेंगे, क्योंकि मरकरी वर्किंग एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से पहचानता है, लोगों से काम करना मरकरी को आता है, काम निकलवाना भी आता है। सो जुपिटर और मरकरी का रोल एक बहुत बड़े ऑपरेशन के रूप में सामने आता है। इन लोगों के नीचे कितने भी लोग, असंख्य लोग काम कर ले, लेकिन ये लोग थकते नहीं है और इन लोगों को पता है कि इन लोगों से मुझे कैसे काम लेना है। कुछ गलत काम भी नहीं लेंगे और सही रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि जुपिटर विजडम है और सिंसियरिटी और ऑनेस्टी है, तो मरकरी थोड़ा चालाकी भी दिखाने की कोशिश करेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बेटर वर्कआउट होगा, यानी सीधे सीधे रास्ते से मंजिल पे पहुंचेंगे। एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, मतलब जब जुपिटर मरकरी का संगम है तो एक्सपर्ट है, बना ही देगा अपनी फील्ड का, और ये चाहते हैं लोग उनको फॉलो करें और उनके ऑर्डर को ओबे करें। ये इनके देखो एक दिल की चाहत होती है कि लोग मेरे को, मेरी जो क्वालिटीज है उसको समझे, माने और मेरी बात को मतलब ओबे करें। ऑर्गेनाइज एफर्ट्स रहने वाले हैं, ये नहीं कि एफर्ट्स आपके बिखरे बिखरे होंगे, वेल इंटेलिजेंट एक्शन होगा, जो भी एक्शन लोगों के, आपका जो एक्शन होगा ना पिछले अगले 2-3 साल 4 साल की प्लानिंग करके तब आपके एक्शन लिए जाएंगे। जुपिटर विजडम है, मरकरी अपना प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन स्किल यहाँ मरकरी के हाथ में आने वाली है। वैसे मंगल कहते हैं एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी करता है, पर यहाँ जुपिटर के लिए एग्जीक्यूशन स्किल मरकरी के साथ आने वाली है।
यहाँ आपको हर चीज का आंसर मिलने वाला है। आप इनसे इंस्टेंट कुछ भी पूछ लो, हर चीज का आपको आंसर दे देंगे। मेंटल पीस नहीं रहता यहाँ पर, क्योंकि दोनों पढ़ाई से एसोसिएटेड नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटली इनके पास पीस नहीं रहेगा। मल्टीपल स्ट्रेटजीज बनाएंगे ये, इनकी स्ट्रेटजीज में ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे मल्टीपल बनाएंगे, ताकि कहीं फेल भी हो रहे हो तो कहीं किसी जगह रुकावट आए तो ये अपनी स्ट्रेटजी बदल के दूसरी स्ट्रेटजी को लागू कर सके। लोग इनको बहुत मानते हैं, इनकी बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, फाइनेंशियल फील्ड और टीचिंग फील्ड में बहुत बड़ी सफलता का द्वार होता है इनके लिए। अब प्रोफेशन की बात करता हूँ, मैंने आपको सामने बोल ही दिया, टीचिंग पर आपका रिलीजियस, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, आरबीआई रेगुलेटर्स, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर्स, एस्ट्रोलॉजर, इवन बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं इस कॉम्बिनेशन के लोग। बिजनेस स्किल बहुत अच्छी होती है, अपना काम करें बिजनेस इनकी सफलता की मैं खुद गारंटी देता हूँ, ऐसे लोग असफल नहीं होंगे। क्योंकि मरकरी को बिजनेस करना आता है, जुपिटर को अपनी प्लानिंग करनी आती है, जुपिटर के पास विजडम भी है चीज़ों को कर, एग्जीक्यूशन मरकरी की बहुत शानदार है, तो बिजनेस की सफलता की यहाँ गारंटी होती है। नंबर्स बताता हूँ, नेम नंबर्स को यहाँ अपने कहाँ ले जाना है दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 और 5 पे नंबर्स को लेके जाना है, 21, 39 आपका, और मरकरी के जो नंबर है 32, 23 ये इस नंबर्स पे, 14 नंबर, 5 नंबर, इस नंबर पे नाम को ले जाओ, बहुत सूट करने वाला है आपको नाम, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन, ज्ञान की दुनिया और धर्म की दुनिया से जोड़ने का नंबर है। जो डेट्स ये हैं वो भी 3 और 5, जिन भी डेट का टोटल आता है वो इनको लकी रहने वाले है, 21, 23, 30, इवन 14, 23, ये सब डेट्स उनको सूट करने वाले हैं। कौन से कलर इनके लिए अच्छे रहेंगे दोस्तों, आपके लिए रोज कलर, ऑरेंज कलर, वायलेट कलर, एश ग्रे कलर और पेल ब्लू, ये कलर आपके लिए बहुत ज्यादा सूट करेंगे दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।